बैक टू माई चैनल आई एम भारती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के टाइम पे बालों का झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। आप जिससे भी मिलते होंगे हर किसी की प्रॉब्लम यही होगी कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होना, हेल्दी फूड नहीं खाना, और कोई डिजीज हो गई या फिर फीवर हो गया या फिर वेदर चेंज हुआ। जब भी कुछ होता है ना तो हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हेयर फॉल को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो स्पेशली हेयर फॉल के लिए ही। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल बीच बीच से टूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, बाल इतने ज्यादा झड़ चुके हैं कि आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, आगे से भी बाल कम हो रहे हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। क्योंकि इस रेमेडी में मैं जिन जिन चीजों का यूज करूंगी वो सारे हेयर फॉल के लिए ही है, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। तो इस वीडियो में लगातार मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो प्लीज। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज bharti_blog। इस हेयर रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो है प्याज। जी हाँ, प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और सल्फर के साथ साथ फॉलिक एसिड, पोटेशियम और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हेयर फॉल को स्टॉप करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे जो बाल है ना वो कैरेटिन से बने होते हैं और कैरेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सल्फर से बना होता है और सल्फर प्याज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए प्याज का आप किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं ना, तो आप 30 दिन अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं ना तो आप खुद फर्क देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ थोड़ी थोड़ी हुई है और बालों की जो हेयर फॉल हो रहा है ना वो पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ा बहुत हेयर फॉल कंट्रोल में होगा। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज का प्याज ले रही हूँ और प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लूंगी। एक चीज का ध्यान रखें, प्याज के छिलकों को मत फेंकें, छिलकों का भी हमें इस रेमेडी में बनाने में यूज करना है। जी हाँ, प्याज जितना हमारे बालों के लिए अच्छा होता है ना उससे कई ज्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके छिलके। हम लोगों को नहीं पता होता है, हम लोग छिलके छील के ऐसे फेंक देते हैं प्याज के, बट अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, आपको बाल सफेद हो रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है ना, तो आप प्याज के छिलकों का भी यूज करें। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याज के छिलकों का भी यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है आंवला। जी हाँ, आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि बालों को डैमेज होने से बचाता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ बालों का झड़ना रोकता है। आप आंवले के जूस को डायरेक्ट अपने स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज है, आंवले को लगाने के साथ साथ आप आंवले को खाइए भी, किसी भी वे पे, चाहे वो आंवला की कैंडी खा सकते हैं, आंवला जूस पीजिए या फिर डायरेक्ट आंवले को भी कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला बहुत ही अच्छे से हमारे हेयर को फॉल को कंट्रोल करता है और किसी भी मैजिक से कम नहीं है। तो यहां पर मैं 2 आंवला ले रही हूं और इनको भी मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज मैं ले रही हूं वो मैं ले रही हूं करी पत्ता। जी हाँ, करी पत्ता जितना हमारे खाने को टेस्टी बनाता है उतना ही हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। करी पत्ते में विटामिन बी, विटामिन सी और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ करी पत्ते में अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग और बालों को शाइन बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, साथ ही साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो करी पत्ते को आप लगाइए भी और उसके साथ साथ मॉर्निंग में खाली पेट खाइए भी। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, करी पत्ते को आप डेली खाली पेट कंज्यूम कीजिए, आप फर्क देखेंगे, आपके बालों में शाइन आएगी, साथ ही साथ हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल में होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते ले रही हूँ, उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है एक पैन और पैन में 1 ग्लास के करीब हमें पानी डालना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम पानी इस रेमेडी को बनाने में यूज कर रहे हैं वो RO वाला है, फिल्टर पानी आपको यूज करना है, क्योंकि कई जगहों पर खारा पानी भी होता है, खारा पानी हमारे बालों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है। तो इसलिए इस रेमेडी को आप बनाने के लिए RO का ही पानी यूज करें। हल्का सा जब पानी गर्म हो गया है तो मैंने सारी चीज मैं उसमें डाल दूंगी, जैसे कि
प्याज, आंवला, करी पत्ता, जो जो चीजें मैंने बताई थी वो सारी मैं इस पानी में डाल दूंगी और अच्छे से चम्मच की हेल्प से मैं चला दूंगी। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें पूरा प्रोसेस जो भी हो रहा है ना वो लो फ्लेम में ही होना है, धीमी आंच में ही आपको सारा प्रोसेस करना है। करीब 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको गैस पर रखना है बहुत धीमी आंच पे। और जब ये पानी हाफ रह जाए, यानी कि आपने जैसे एक ग्लास पानी लिया है तो वो पानी आधा ग्लास रह जाए, तब आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और आप सामने देख सकते हैं जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ना, तो उसका एक चीज आपको पता चल जाएगा, हल्का ब्राउनिश, हल्का मतलब येलो कलर में हो जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि आपकी ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दे रही हूँ, उसके बाद छन्नी की हेल्प से एक बोल में मैं इसको छान ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमारी हेयर रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है, अभी रुकिए रुकिए, अभी हमारी हेयर रेमेडी बनकर तैयार नहीं हुई है। अब मैं इसमें एक चीज लास्ट है वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, रोजमेरी में एंटीऑक्सीडेंट एंड भी एंटी इंफ्लेमेटरी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो रोजमेरी आप एसेंशियल ऑयल का यूज कर रहे हैं ना, तो बालों को स्टॉप किया जा सकता है। जी हाँ, और इसके लगाने के बहुत सारी चीजें होती हैं। रोजमेरी एसेंशियल जो ऑयल होता है उसको डायरेक्ट आप अपने बालों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको किसी ना किसी ऑयल में मिक्स करके, या फिर कोई हेयर रेमेडी हो गई या फिर शैम्पू हो गया, किसी ना किसी चीज में मिक्स करके ही आपको लगाना है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल पहली बार यूज कर रहे हैं तो इस रेमेडी में आपको 2 से 3 ड्रॉप के करीब ही ओनली डालना है। बहुत ज्यादा भर भर के मत डालिएगा, जैसे आप सोचे कि मैं बहुत सारा डाल लूंगी तो मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा किसी चीज का यूज करने से ना वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकती है। तो अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो इस रेमेडी में आपको ओनली 2 से 3 ड्रॉप के करीब ही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को डालना है। मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का यूज करती रहती हूँ, कई टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 8 से 9 ड्रॉप के करीब इसमें डालूंगी और अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद एक स्प्रे बॉटल में मैं इस रेमेडी को भर ले रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई नहीं, उसी बोल में रखा रहने दीजिए और कॉटन की हेल्प से अपने स्कैल्प में आप लगा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, बाल आपके क्लीन हो, गंदे बालों में इस रेमेडी को मत लगाइएगा। 1 दिन या 2 दिन पहले अगर ये हेयर वॉश किया है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से आपको इस स्कैल्प में इस रेमेडी को लगाना है, मांग निकाल निकाल के अच्छे से पूरे बालों पे अच्छे से आपको अप्लाई करना है। और अगर थोड़ा बच जाए तो बालों की लेंथ में भी लगा सकते हैं। मेरा भी थोड़ा बच गया है तो मैंने भी अपने बालों की लेंथ में भी लगा लिया है। और उसके बाद आप बन बना ले, छोटी बना ले, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। और आपको इसको अपने हेयर में छोड़ना है करीब 1-1.5 घंटे करीब आपको रखना है। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 2 घंटे के लिए भी इस रेमेडी को अपने सर पर रख सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल आपको जैसे शैम्पू करते हो वैसे आप शैम्पू कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इस रेमेडी को वीक में 2 टाइम अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीक में 1 बार भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, आप इसको 30 डेज ओनली 1 मंथ ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपके ना छोटे छोटे हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके ना छोटे छोटे से बाल निकलना चालू हो गए हैं, बाल झड़ना भी काफी हद तक कंट्रोल में होगा। मतलब मैं कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ 70% आपका हेयर फॉल कंट्रोल में होगा, क्योंकि मैंने इस रेमेडी में जिन जिन चीजों का यूज किया है वो सारी चीज हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप नेट पे जाके इन सारी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। और आप जब पढ़ेंगे ना तो आप शॉक रह जाएंगे कि इतने सारे इन सारी चीजों के फायदे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। 30 डेज ज्यादा नहीं है, ओनली आपको वीक में 2 टाइम अप्लाई करना है और आपको रिजल्ट सामने देखने को मिलेंगे। हेयर फॉल से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।